हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी सॉफ्टिंग चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक छोटा सा कमांड MS Info 32। इस कमांड का यूज़ करते हुए आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगे हुए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जान पाओगे कि कौन कौन सा हार्डवेयर उसमें यूज़ किया गया है, वो कौन से कंपनी का है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब किस कंपनी का है, क्या उसका मॉडल नंबर है, वो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा सिर्फ इस एक छोटे से कमांड से। विदाउट टाइम वेस्ट के चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ आप इस कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो आपको रन ओपन करना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एसेसरीज पे आपको क्लिक करना है। एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ रन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से रन ओपन होकर आएगा, या फिर आप डायरेक्टली विंडोज़ प्लस आर की को प्रेस करेंगे तो देखिए रन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा कमांड लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, MS Info 32 लिख के जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरह से डिस्प्ले खुल के आएगा आपके सामने। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपको OS का नेम दिखाया जा रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है। वर्जन इसका कौन सा है आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद अदर OS डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम का नाम कौन सा है, जो आपके सिस्टम का नेम है वो आपको दिख जाएगा। सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है, देखिए आपको दिख रहा है HP। सिस्टम का मॉडल नंबर दिख जा रहा है, HP लैपटॉप 15BW0XX, जो मॉडल इसका वो दिख रहा है। सिस्टम टाइप कौन सा है, 64 PC हमारा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया, AMD A9 प्रोसेसर है, रेडियन R5 का देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, Core 2C+3Z, यानी टोटल जानकारी आपको प्रोसेसर के बारे में भी यहाँ पे बता रहा है। BIOS आपका कौन सा वर्जन का है, कब डेट उसका कौन सा है, वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बूट डिवाइस के बारे में आपको बता दे रहा है, यूज़र नेम आपका क्या रखे हुए हैं, टाइम जोन कौन सा चल रहा है, और इसमें इंस्टॉलेंट फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम आप कितना यूज़ कर रहे हैं वो दिख रहा है, टोटल फिजिकल मेमोरी साइज़ कितना है आपको वो दिख लिया, और अवेलेबल कितना है अभी आपके पास वो भी आपको ये कैलकुलेट करके बता देगा, और वर्चुअल मेमोरी के बारे में बता रहा है, अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी कितना है कितना नहीं। तो इस तरह से आपको एक तरह का सभी जानकारी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो भी नॉर्मली बेसिक जानकारी है आपको वो इसके अंदर देखने को बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको मान लीजिए और डीपली देखना है तो यहाँ देखिए हार्डवेयर रिसोर्स पे, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको और मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ मेमोरी का ऑप्शन दिख रहा है, मेमोरी पर आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डीपली आप जान पाएंगे जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, बस आप यहाँ से इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट करते जाएंगे, उससे रिलेटिव जो भी इसमें लगा हुआ है या जो भी आपको जानना है वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ कंपोनेंट्स का भी ऑप्शन है, इस पर अगर आते हैं मल्टीमीडिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखिए CD-ROM है, CD-ROM पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि CD-ROM डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है यहाँ CD-ROM ड्राइव, और उसके बाद मीडिया लोडेड नो दिख रहा है यहाँ पे, यानी उसके अंदर कोई भी कैसेट अभी नहीं लगा हुआ है। मीडिया टाइप DVD राइटर है, नेम उसका दिख रहा है HP DVD 8W करके है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है, स्टेटस क्या है, ओके है, और ट्रांसफ़र रेट क्या है उसका, वो सारी चीजें आपको देखिए यहाँ दिख जा रही है। ड्राइवर कौन सा इंस्टॉल है सब दिख रहा है। साउंड ड्राइव में चलेंगे तो देखिए यहाँ साउंड भी दिख जाएगा, हमारे पास Realtek ब्लूटूथ A2DP डिवाइस लगा हुआ है जो कि Realtek का, इसमें ब्लूटूथ यूज किया गया, तो वो देखिए यहाँ आपको साउंड का रिलेटिव भी मिल जाएगा। डिस्प्ले अगर आप क्लिक कर देंगे तो डिस्प्ले से जुड़ी हुई देखिए आपको जानकारी मिल जाएगी, AMD का रेडियम R5 ग्राफिक इसके अंदर यूज किया गया है। उसके बाद देखिए स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस पे क्लिक करेंगे, ड्राइव पे मैंने क्लिक किया, कितना ड्राइव इसके अंदर बना हुआ है, किस ड्राइव का कितना साइज है और कितना फ्री है वो भी देखिए आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, सारा कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। USB अगर क्लिक करता हूँ तो USB कौन सा है यूज हो रहा है, 3.0 होस्ट कंट्रोल, यानी USB जो यूज किया गया, AMD का 3.0 USB यूज किया गया इस लैपटॉप के अंदर। सॉफ्टवेयर में अगर आप जाके खोजेंगे तो इस तरह से सिस्टम ड्राइवर में देखिए जो जो सिस्टम का ड्राइवर आपका है वो सारी चीज़ें हैं। बेसिकली मैं आपको बस क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डीपली बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। आपके काम से रिलेटिव जो जानकारी है, जो भी आप अपने सिस्टम के अंदर जानना चाहते हैं वो आप यहाँ खुद सर्च कर लें, से आपको जो भी जानना हो, मेमोरी जानना है आप मेमोरी पे क्लिक कर लें, डिस्प्ले जाना है डिस्प्ले सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जानना है आप उसको आपके काम के हिसाब से आप इस तरह से यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर कुछ यहाँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो जैसे मैं रैम अगर लिख रहा हूँ, मुझे रैम के बारे में जानना है तो फाइंड पर मैंने क्लिक किया तो देखिए रैम लिख के जैसे ही मैंने फाइंड किया यहाँ पे देख रहे हैं आप हाईलाइट हो गया ये जगह, यानी ये बता रहा रैम आपका जो लगा हुआ है वो 4GB है, यानी जो वर्ड आपने सर्च किया अगर उससे रिलेटिव इसके पास
इन्फॉर्मेशन, आप करेक्ट वर्ड यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको ये तुरंत शो कर देगा। आप देख पा रहे हैं तुरंत यहाँ पे शो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से आप इजीली देख सकते हैं। और अगर ओवरव्यू देखना है कंप्यूटर का, जैसे अभी देखिए आपने कुछ भी खोल रखा है, डायरेक्ट आप सिस्टम समरी पे क्लिक करेंगे तो एक बेसिक जो नॉलेज होता है किसी भी कंप्यूटर के बारे में, वो आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। जो जो उसका बेसिक जो मेन हाइलाइट्स होता है किसी भी पीसी का या डेस्कटॉप लैपटॉप का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी से आप इसे देख सकते हैं। विंडोज़ प्लस आर करके रन ओपन करना है, एमएस इन्फो कमांड डालना है और बस आप अपने सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारी को बहुत ईजिली देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।